सेंट्रल मोमेंट ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने भी दिख रहा होगा तुम्हें सबको, ऑनलाइन सबको दिख रहा होगा। डेफिनेशन लिखो, चौथी डेफिनेशन अबाउट मीन। देखो सेंट्रल मोमेंट इज द मोमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखा हुआ है, बाकी ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा। सेंट्रल मोमेंट इज द मोमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रेंडम वेरिएबल, ऑफ ए रेंडम वेरिएबल अबाउट इट्स रेंडम वेरिएबल्स मीन, अबाउट इट्स रेंडम वेरिएबल मीन, अबाउट इट्स रेंडम वेरिएबल मीन। अब देखो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होता है, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट ये होता है ई एक्स माइनस म्यू। तो हमें पता है कि यदि मीन के रेस्पेक्ट में हम डेविएशन निकालते हैं तो सम ऑफ डेविएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो। अरे मीन के रेस्पेक्ट में वेरिएबल का यदि हम डेविएशन निकालते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है ना। तो इसका फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड सेंट्रल मोमेंट कहलाता है वेरियंस, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इक्वल टू वेरियंस, ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। आजा आजा, बढ़िया मजे आए ना। अरे मैं तो खाता ही नहीं। हाँ चाय पी लेंगे। ओ मैंने देख लिया तो चाय लिया। अब तुम जल्दी कर लो। लेकिन थर्ड सेंट्रल मोमेंट लिखो, लिखो थर्ड सेंट्रल मोमेंट। थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या होता है, स्क्यूनेस, ई एक्स माइनस म्यू का होल क्यूब। और फोर्थ सेंट्रल मोमेंट कर्टेसिस, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट कर्टेसिस, ई एक्स माइनस म्यू का होल लिख लीजिए। कर्टेसिस फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। अरे आज तेरा दोस्त कहाँ गया? अरे पीछे बैठा है, इसको दिखा। लड़ाई होगी। दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए। लिखो अब टेबल बना लो, अभी सही हो जाएगा मार्कर, इसलिए मत बोलना क्योंकि इसमें इंक डाल ली है। धन्यवाद, चाय के लिए तो कभी मना नहीं। बायनोमल पाइसन नॉर्मल फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट म्यू वन बोलते हैं भाई, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर। बायनोमल का फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट सबका म्यू टू, बायनोमल का एनपी क्यू, पाइसन का नॉर्मल का म्यू थ्री, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। एनपी क्यू क्यू माइनस पी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन आएगा। थर्ड सेंट्रल मोमेंट एनपी क्यू क्यू माइनस पी, थर्ड सेंट्रल मोमेंट एनपी क्यू क्यू माइनस पी। अब इसको हटा देता हूं मैं, एनपी क्यू क्यू माइनस पी,
बोलो थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन एम जीरो, थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन एम जीरो। बातें नहीं, बातें नहीं। थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन जीरो। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट पर आ जाओ भाई, फोर्थ सेंट्रल मोमेंट फोर्थ सेंट्रल मोमेंट लिख लो। अब ये याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंथी है इसका फॉर्मूला। बोलो क्या है, ब्रैकेट में है ना, वन प्लस थ्री एन माइनस सिक्स वन बार थोड़ी है, ऐसे ही है ना, वन प्लस थ्री एन माइनस वन थ्री माइनस वन सिक्स पी क्यू। पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बातें हो रही है, और इसका नॉर्मल। अब क्या क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है, बस ये तीन चीजें पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा, ये तीन चीजें पूछेगा आपसे। सिर्फ तीन चीजें पूछेगा, वो है आपका एनपी क्यू वन प्लस थ्री एन माइनस वन सिक्स पी क्यू थ्री एम स्क्वायर, ये तो नहीं पूछेगा, मैंने जिसमें सर्कल लगाया बस ये पूछेगा। अब कैसे पूछेगा, डायरेक्ट वैल्यूज गिवन होगी, जैसे मैंने आपसे बोल दिया मीन, मीन इक्वल टू टेन, वेरियंस नाइन, मीन टेन है वेरियंस नाइन, तो बताइए इसका थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या होगा, इसका थर्ड सेंट्रल मोमेंट क्या होगा, ये पूछेगा आपसे। अब मीन आपका टेन है, फोर बोलेगा ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एनपी इक्वल टू टेन हो गया, एनपी क्यू कितना हो गया भाई, तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया, नाइन बाय टेन, क्यू का वैल्यू नाइन बाय टेन आ गया आपका, पी का वैल्यू, अब आपका हो गया भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एनपी क्यू की वैल्यू तो नाइन है, तो 9 बाय 10 माइनस कितना हो गया, तो 72 बाय 10 मतलब 7.2। सो व्हाट इज द थर्ड सेंट्रल मोमेंट, 77.2। ऐसे पूछे, क्लियर है। चलिए ये तो सेंट्रल मोमेंट हो गया, अब हमारे फंक्शंस पे आ जाते हैं, बाकी आपका डायरेक्ट है, आप जो भी वैल्यू गिवन होगी बस वैल्यू फॉर्मूले याद रखिए। इवनिंग में रिवाइज करेंगे आज डिफरेंशिएशन जिसको पढ़ना, और कल सुबह भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कल की क्लास का टाइम है आपका 10 से 11 मॉर्निंग, 10 टू 11। बताया था ना भी, तुम लेट आए क्या, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है, तो ये ई एक्स माइनस म्यू ही है फर्स्ट,
फर्स्ट ई एक्स माइनस म्यू मतलब हर एक वेरिएबल का उसके मीन से सम ऑफ डेविएशन, तो सम ऑफ डेविएशन क्या होता है जीरो होता है, इसलिए जीरो, इसलिए जीरो। फंक्शन देखो, फंक्शन लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द फंक्शन एफ, देन द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, देन द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल that associates every element of set A, every element of set A to some elements of set B, some elements of set B, and this association must be unique. And this association must be unique. और ये association unique होना चाहिए। ये हमारे पास sets की definition। Let A and B be two non-empty sets. Then the function f from A to B is a rule that associates every element of set A to some element of set B. And this association must be unique. अब देखो इधर। सेट ए सेट बी, यहां पर कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी, यहां एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव, सपोज ए की इमेज फोर, बी की इमेज टू, सी की इमेज फोर, डी की इमेज भी फोर मान लो। तो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि क्या सेट ए में कोई एलिमेंट छूटा हुआ है क्या, पहली कंडीशन सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ। दूसरी कंडीशन सेट ए के किसी भी दो में एलिमेंट की दो इमेज है क्या, बोलो इसकी इमेज क्या है, ए की इमेज, बी की इमेज, सी की इमेज, फोर, एक एक इमेज है सब, इसलिए ये फंक्शन। तो फंक्शन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन सेट ए के अंदर जो डोमेन कहलाएगा अभी लिखवाऊंगा, सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन किसी की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, उधर छूट जाए कोई दिक्कत, ठीक है। तो दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है आपका। तो कौन सा फंक्शन नहीं होगा, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल ऑफ नॉट ए फंक्शन, ए बी वन टू थ्री फोर, ए बी सी डी, सब वन की इमेज ए, ई टू की इमेज बी, टू की इमेज सी, थ्री की इमेज डी, और फोर की इमेज ई। नाउ दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट टू की कितनी इमेज है, दो इमेज, सो एफ इज इट इज नॉट ए फंक्शन। तो इसी पे डायरेक्ट आएगा बेटा एक प्रॉब्लम, इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट टू हैज टू इमेज, टू इमेजेस, एलिमेंट टू की दो इमेजेस हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। लिख लीजिए, इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट टू हैज टू इमेजेस। ग्राफिकल चेक फॉर द फंक्शन, ग्राफिकल चेक क्या होता है, भाई अभी जो भी लेट आई ये डिसाइड हुआ है भाई, कल मॉर्निंग में तो कल इवनिंग, आज इवनिंग में डिफरेंसेस हैं, मॉर्निंग में डिफरेंस इन प्लस इंटीग्रेशन, कल 10 से 11, 10 से 11 नहीं है तुम 9:30 से 11 लिखो, मजा नहीं आएगा, एक घंटे की क्लास मजा ही नहीं आएगा, 9:30 से 11 डिफरेंसेशन प्लस इंटीग्रेशन, ये कल का काम कंप्लीट हो गया हमारा।
परसों मंडे मॉर्निंग 9 to 10 फिक्स, जो लेट आएगा उसकी गलती, 10 बजे फिक्स ले लूंगा, पहले बता रहा हूँ, 9 to 10 टेस्ट, ठीक है, चाहे वो पोहे खा रहा हो चाहे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। इवनिंग 6 to 7 आपका लीनियर इनइक्विटीज, 6 to 7 लीनियर इनइक्विटीज, ट्यूजडे बोलो और कौन सा रिवाइज कर, वैसे स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट है, कोई स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक रिवाइज करना है तो एक क्लास में करवा दूंगा, एक टॉपिक पूरे, इंडेक्स नंबर में क्या है नहीं है यार, अरे तीन तरह डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछता वो तो उसमें है ही नहीं कुछ भी, एक आता है बस, चलो मैं करवा दूंगा ट्यूजडे, इंडेक्स नंबर प्लस कौन सा एक टॉपिक हो जाएगा आराम से, बेटा फिर वेनेसडे को टेस्ट है ना, तो वेनेसडे को तो वैसे ऑल्टरनेट हो गया, वेनेसडे को तो वैसे ऑल्टरनेट हो गया, उसके बाद फिर नहीं है, फिर ऑल्टरनेट कर दे, चलो देखेंगे फिर बात, अभी क्यों है ना इतना डिस्कस करें, लिखो भाई ग्राफिकल चेक, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, if it cuts the curve at a unique point then it is a function otherwise not, बातें नहीं, बातें करने के लिए नहीं आए अपन, जैसे ये कर्व है, बोलो कितनी बार कट कर रहा है, तो फंक्शन बोलो कितनी बार कट कर रहा है, फंक्शन इस तरह चेक करोगे, यदि कर्व को एक से ज्यादा बार कट करेगा तो फंक्शन नहीं है, देखो यहां पर लाइन ड्रॉ की, एक बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, एक बार, एक से ज्यादा बार कट नहीं करना चाहिए, तो ये तो ग्राफिकल चेक हो गया भाई, लिखो आप डोमेन, इस पे प्रॉब्लम आ सकती है, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट ग्राफ फंक्शंस के डोमेन कोडोमेन और रेंज बता दूंगा, क्योंकि कुछ के आपके डोमेन और रेंज पूछा जाता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज पूछा जाता है, स्क्वायर रूट फंक्शन, तो इनका इसको आपका डोमेन और रेंज पूछा जा सकता है, तो डोमेन क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बोला f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो ये a क्या कहलाएगा, डोमेन, लिखो डोमेन, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज कॉल्ड डोमेन, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज डी, 3 की इमेज ए, 4 की इमेज सी और 5 की इमेज डी, नाउ व्हाट इज डोमेन, 1 2 3 4 5 दिस इज द डोमेन, लिख लीजिए, तो इसका डोमेन आ गया 1 2 3 4 5, हो गया 30 दिन बाकी, आज के दिन है क्या एग्जाम, 15 को 13, तो आज तो 14 ही है, आज के दिन फर्स्ट एग्जाम हमारा,
कौन बोल रहा है चिल्ड्रंस डे के लिए है? अरे भावनाओं को समझो इधर। देखो मैं कल पार्टी कर सुन लो मैं पार्टी देने को तैयार हूँ, कल के बाद मैं सकल नहीं दिखूंगा। एंड हो गया ना भाई, एंड पार्टी किसे बोलते हैं? एंड भाई लास्ट ईयर मेरे को 12th वालों ने बोला कि सर अब तो फेयरवेल दे दो, मैंने कहा ले लो, कहाँ दिक्कत है, आज फेयरवेल मतलब आज से बाय बाय टाटा। फेयरवेल और एंड पार्टी तब होती है जब लास्ट दिन होता है, तो लास्ट दिन कौन बेटा तेरे से छोटा तो मैं लगता हूँ। चलो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। चलो बेटा टाइम नहीं है अपने पास, कोडोमेन। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन बेटा पढ़ लो, नहीं तो ये तेरे को पार्टी देके जाएगी फिर। ए बी सी डी ई, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। ए बी सी डी ई। नाउ रेंज, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस of elements of set A. The set of all F images of elements of set A is called range. Is called range. Set of all F images of element of set A is called range. वहां पर range क्या भाई? A C D. ये range क्या? अब बेटा मैंने क्या बोला, अभी मैं कुछ फंक्शन अभी यही बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, उनकी डोमेन और रेंज याद रख लेना, पूछी जा सकती है। चार पांच ही है, ज्यादा नहीं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू के, एफ एक्स इक्वल टू के, और एफ फंक्शन है आर टू आर। जैसे एग्जाम्पल मैंने कभी बोल दिया एफ एक्स इक्वल टू 7 या एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ये सब कॉन्स्टेंट फंक्शन, इसमें कहीं पे भी वेरिएबल नहीं आ रहा, एक्स नहीं आ रहा। एफ एक्स मतलब एक्स वेरिएबल है, तो एक्स वेरिएबल नहीं आ रहा तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन है? कॉन्स्टेंट। अब जैसे मैं एफ एक्स इक्वल टू 7 को प्लॉट करूं, तो बेटा एफ एक्स इक्वल टू 7 ऐसे प्लॉट होगा, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एफ एक्स मतलब वाई, तो वाई इक्वल टू 7 ऐसे ही प्लॉट होता है, तो वाई इक्वल टू 7 हमने इस तरह से प्लॉट कर लिया, तो ये आपका इसका कर्व हो गया एफ एक्स इक्वल टू 7। क्लियर है? ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। डोमेन कुछ भी रख सकते हो, आर डोमेन आप कुछ भी रख सकते हो। एफ वन, वन रखने में कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी रखो ना, आई नहीं रहा तो कुछ भी रखो ना, 1 2 3 मतलब कुछ भी रख सकते। लेकिन मैंने 1 रखा तो भी क्या मिला, 2 रखा तो भी क्या मिला, 3 रखा तो भी क्या मिला, तो इसका रेंज हो गया 7। उधर कॉन्स्टेंट के, इधर ए प्लस। सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को हमेशा किसमें लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट। क्या ये समझ में आया? तो दिस इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, लिख लीजिए जल्दी से, नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, और लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात।
नेक्स्ट कॉन्स्टेंट फंक्शन के बाद आता आइडेंटिटी फंक्शन, बातें नहीं आइडेंटिटी फंक्शन। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जो रखोगे वही मिलेगा। अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन स्ट्रेट लाइन, इस तरह से एंगल कितना बनाएगी 45 डिग्री का एंगल। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्लोप वन, 45 डिग्री मतलब स्लोप वन। आप डोमेन आर, तो मैंने क्या बोला जो मिलेगा जो रखोगे वही मिलेगा। रेंज आर, आर क्या रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, लिख लीजिए रेंज आर इक्वल टू रियल नंबर। थर्ड मॉडुलस फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी डोमेन रेंज पूछी जा सकती है। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, और मॉडुलस एक्स ऐसे डिफाइन होता है भाई, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स आएगा यदि एक्स पॉजिटिव या जीरो है भाई। थ्री का मॉडुलस क्या होता है, थ्री, वही का वही आएगा। सेवन का मॉडुलस सेवन, नाइन का मॉडुलस नाइन, लेकिन माइनस फाइव का मॉडुलस फाइव, तो माइनस फाइव इज एक्स। जैसे मैंने बोला माइनस फाइव का मॉडुलस फाइव, ये एक्स है बेटा, तो ये क्या आ रहा है माइनस, इसलिए उसको माइनस, क्यों पॉजिटिव बनाना, इसलिए उस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस। अब इसका जो कर्व होता है वो वी कर्व बनता है, इस तरह से ये वी कर्व। डोमेन तो आप कुछ भी रख सकते हो बेटा, रेंज होती क्या है, कर्व से भी देख के आप रेंज निकाल सकते हो। यहां से देखो ये जीरो है, ये ना आपकी जो वैल्यू आ रही है वाई की, ये वाई की वैल्यू ऐसे आती है, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो से जीरो और जीरो से ज्यादा, तो जीरो और जीरो से ज्यादा, जीरो इंक्लूड है इसलिए कर्ली ब्रैकेट इसमें बड़े ब्रैकेट में आएगा, और इनफाइनाइट कभी इंक्लूड होता ही नहीं इसलिए ओपन ब्रैकेट में। जीरो और जीरो से ज्यादा, ये इसकी रेंज होगी, दिस इज द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अब इस पर एक प्रॉब्लम किस तरह की पूछी जाएगी वो देख लो। फाइंड द रेंज ऑफ, अरे कौन बोल रहा है, ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू सेवन माइनस थ्री मॉडुलस फोर एक्स प्लस फाइव, इसका मॉडुल, इसका रेंज। अब मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं, बट ट्रिक देख लो आप, डोमेन नहीं पूछेगा, डोमेन तो आ रहा, मॉडुलस के आगे प्लस लग रहा माइनस लग रहा, प्लस लगेगा तो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, और इसको छोड़ दो, दिस इज रेंज, ये इसका ट्रिक आया कैसे वो समझा देंगे, लेकिन ट्रिक देख लो, यदि आगे माइनस लग रहा है तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, और यदि आगे प्लस लग रहा है तो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसका रेंज क्या हो गया, आगे माइनस लग रहा है इसलिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर सेवन। अब मैंने जैसा आपसे बोला एफ एक्स इक्वल टू फाइव प्लस थ्री मॉडुलस टू एक्स माइनस सेवन, फाइव कोमा इनफिनिटी, आ गया समझ में, कोई दिक्कत।
आया कैसे मैंने कि वो अभी बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो बताने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू फोर प्लस मॉडुलस फाइव मॉडुलस फाइव माइनस टू एक्स। अब मॉडुलस क्या आ गया फोर टू, ये आपकी रेंज है। अंदर मत देखो ये मॉडुलस क्या आ गया। अब बहुत ही इजी प्रॉब्लम पूछ लिया, इसका रेंज माइनस इनफाइनाइट टू जी, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इस पे जी। ठीक है लिख लीजिए सारे एग्जाम्पल। ऑनलाइन क्लियर है बेटा सबको? बोलिए यस सर। लिख लीजिए कल रात की वीडियो भेज दी कि मैंने। सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। अब देखो यहां पर इसको हम डिफाइन करते हैं, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सपोज एक्स पॉजिटिव है, ध्यान से देखना एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो मॉडुलस एक्स का वैल्यू एक्स हो, तो एक्स अपॉन एक्स भाई मॉडुलस एक्स का वैल्यू एक्स होगा तो एक्स अपॉन एक्स वन, यदि एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस एक्स का वैल्यू माइनस एक्स, तो एक्स अपॉन माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू यदि जीरो है तो जीरो। अब देखो डोमेन आर और रेंज तीन वैल्यू आएगी बस, रेंज माइनस वन वन और ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन कहलाता है और ग्राफ ऐसे बनेगा। सिग्नम फंक्शन है ना, फिर तो अपन बोलते कार्तिक फंक्शन ऐसा भी तो बोल सकते अच्छा ये पोकर कार्ड देख क्या बोलो पोकर कार्ड नहीं है? तो ए, कुछ बोल रही थी ना तो है ना, देख रही थी कि कुछ रिएक्ट कर रही थी इसलिए तेरी तरफ देखी वो तो चार कार्ड है, वो तो मतलब एस का एक ग्रुप होता है ना जो है चार है। अच्छा फेस कार्ड है चल चल नेक्स्ट स्क्वायर रूट फंक्शन या स्क्वायर फंक्शन देख लो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह का फंक्शन होता है।
आपने पढ़ा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां पर ये बता देता हूं कि ये मैनी वन इंटू फंक्शन, पहले अपन इसको भी डिसाइड कर लेते हैं। मैनी वन इंटू अब जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, वन वन एक तो चार तरह के फंक्शन होते हैं, पहले उसको यहाँ पर मैं डिसाइड कर लेता हूँ क्योंकि अपन डिस्कस कर लेंगे ना तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, देखो वन वन फंक्शन लिखो बेटा, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन क्या होगा जिसकी डिस्टिंक्ट इमेज, जिस एवरी एलिमेंट्स ऑफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, every element of a have distinct image in b, distinct images in b, इस तरह से a b 1 2 3 4 a b c d सबकी अलग अलग इमेज है और इसको बोलेंगे वन वन ऑन टू, ऑन टू की है क्योंकि बी के अंदर कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है और वन वन क्यों है सबकी अलग अलग इमेज है तो इसको बोलते हैं वन वन ऑन टू, ऑन टू है वन वन ऑन टू को क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन का क्या पॉसिबल है इनवर्स, ये सब लिख लो यहां, वन वन ऑन टू वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, वन वन ऑन टू को बाइजेक्टिव बोलते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट। एग्जाम्पल इसका वन वन ऑन टू का एग्जाम्पल जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं बेटा, जैसे आपसे कभी बोल दिया एफ इज ए फंक्शन और आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस सेवन, नाउ दिस इज वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, ये वन वन ऑन टू। फिर एक और एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस या फाइव एक्स क्यूब माइनस इलेवन, दिस इज अगेन अ वन वन ऑन टू फंक्शन। जितने भी लीनियर है या क्यूब वाले फंक्शन होते हैं ओड पावर वाले, वो सब क्या होते हैं वन वन ऑन टू, लेकिन फंक्शन कहां से कहां तक होना चाहिए, आर टू आर होना चाहिए, ठीक है, आर टू आर होना चाहिए, एन टू एन होगा तो ये आपका वन वन ऑन टू नहीं होगा, हम सिर्फ आर आर की बात कर रहे हैं, आर टू आर, वन वन तो होगा लेकिन इन टू हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर में आपकी कुछ वैल्यू आएगी नहीं। जैसे मैं इसको इक्वल टू वन करूं तो एट आएगा, एट बाय थ्री आएगा नहीं, मतलब वन किसी की इमेज है ही इस तरह से, इसलिए वो इन टू हो जाएगा, वन वन तो रहेगा लेकिन इन टू हो जाएगा।